अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टॉफ़ी सॉस की रेसिपी। इसको आप एज अ कैरामल सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टॉफ़ी सॉस या कैरामल सॉस। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपको 100 ml क्रीम चाहिए होगी, हैवी क्रीम, 60 ग्राम शुगर, 30 ग्राम्स बटर। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स है, ये आपकी कैरामल सॉस या टॉफ़ी सॉस रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये एक पैन लें, इसको हीट कर लें। पैन में हम बटर डालेंगे, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ये बटर मेल्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। अब आप इसमें शुगर ऐड कर दें। इसको लो हीट पे ऐसे छोड़ दें, ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर कैरमलाइज होती जाएगी। थोड़ी देर बाद हल्का सा साइड से मिक्स कर लें ताकि ये बर्न ना हो। ये देखें, शुगर हल्की हल्की मेल्ट हो रही है, लाइट गोल्डन हो रही है। जब ये मेल्ट हो जाएगी, इसमें कैरामलाइज हो जाएगी, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये लाइट गोल्डन हो रही है, बस अभी थोड़ा सा और गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम इसमें क्रीम डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है, इस स्टेज पे अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे और जल्दी से इसे मिक्स करेंगे। आपने इस पे टेम्परेचर को बहुत ही कंट्रोल रखना है। ज़रा सा ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा तो ये बर्न हो जाएगा और इसमें जला हुआ टेस्ट आएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका, टॉफ़ी सॉस और कैरामल सॉस का। ये रेडी हो गया है, अब हम इसे स्टोव से साइड पे रख लेंगे और जार में डाल लेंगे रूम टेम्परेचर पे करके। जी, तो अब हम इसको जार में पोर कर लेंगे। हमारा 1 फुल जार बन गया है। इसको हम जब चाहें आइसक्रीम के ऊपर, डिज़र्ट के ऊपर, केक के ऊपर, किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको चॉकलेट केक की रेसिपी दी थी, मग केक, उसमें भी हमने ये यूज़ किया है और बनाना मग केक में भी, उस पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में 1 मंथ के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।